हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शराकत दारी के अकसाम, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन है शराकत दारी मुद्दत की बुनियाद पर, यानी कि पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। दूसरे नंबर पर है शराकत दारी जिम्मेदारी की बुनियाद पर, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। और तीसरे नंबर पर है महदूद जिम्मेदारी शराकत, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि इन तीनों बेसिस पर पार्टनरशिप को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप कौन सा है? टाइम पीरियड पर। दूसरा क्या है? लायबिलिटी की बेसिस पर। और तीसरा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी की बेसिस पर। पहला है मुद्दत की बुनियाद पर, दूसरा है जिम्मेदारी की बुनियाद पर, और तीसरा है महदूद जिम्मेदारी पर। यानी ये तीन अकसाम बयान किए गए हैं, थ्री टाइप्स के पार्टनरशिप होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि शराकतदारी मुद्दत की बुनियाद पर। अब इसमें दो किस्म के हैं, दो टाइप्स हैं। नंबर वन है शराकतदारी मर्जी पर, यानी कि पार्टनरशिप एट विल, विल पर, मर्जी पर। और दूसरे नंबर पर है मखसूस शराकतदारी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब बात करते हैं शराकतदारी मर्जी की बुनियाद पर, पार्टनरशिप एट विल। इसमें पार्टनर्स अपनी मर्जी से पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हैं और अपनी मर्जी से पार्टनरशिप को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी पर होता है, उनकी विल पर होता है। इस पार्टनरशिप का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप की मर्जी पर डिपेंड होता है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं दूसरे अकसाम की। दूसरे नंबर पर है मखसूस शराकतदारी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब एक ख़ास काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए कोई पार्टनरशिप की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, मखसूस शराकतदारी कहते हैं। और जब काम कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो पार्टनरशिप क्या होगी? पार्टनरशिप भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो समझ में आया? शराकतदारी मुद्दत की बुनियाद पर, टाइम बेसिस पर। समझ में आया? इसमें दो टाइप्स थे, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शराकतदारी जिम्मेदारी की बुनियाद पर, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इसमें भी दो टाइप की पार्टनरशिप है। नंबर वन, आम शराकतदारी, जनरल पार्टनरशिप। सेकेंड है महदूद पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, मैनेजमेंट के तमाम कामों में हिस्सा ले सकते हैं, और तमाम पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी के जिम्मेदार होते हैं। अगर पार्टनरशिप की लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, तब तमाम पार्टनर्स अपनी पर्सनल जायदादों को बेचकर लायबिलिटी अदा करेंगे, चुकाएंगे। तो समझ में आया जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? नेक्स्ट है महदूद शराकतदारी, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मगर एक पार्टनर की जिम्मेदारी लायबिलिटी महदूद होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और जिस पार्टनर की जिम्मेदारी लायबिलिटी महदूद रहेगी, उसको खास पार्टनर समझा जाएगा, खास शरीक समझा जाएगा।
क्यों खास समझा जाएगा? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी महदूद है, लिमिटेड है। और जिन पार्टनर्स की जिम्मेदारी अनलिमिटेड है उनको जनरल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। कारोबार में जो खास पार्टनर होता है उसकी जिम्मेदारी महदूद होती है उनके लगाए गए सरमाए की हद तक, जबकि आम शुरका की जिम्मेदारी उनके लगाए गए सरमाए से ज्यादा होती है। समझ में आया लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? इसमें पार्टनर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर और दूसरे लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर। अब बात करते हैं तीसरे अकसाम की, महदूद जिम्मेदारी शराकत की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जब लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो पार्टनर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेते कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा कर्ज लेकर हासिल किया जा सकता है, और अगर पैसा कर्ज अदा नहीं किया गया तब क्या होगा? तब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, यानी कि वो अपने पर्सनल जायदादों को बेचकर उस कर्जों को चुकाना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती उसके एक्सपेंशन करने की। अगर पार्टनरशिप को कंपनियों से कंपेयर किया जाए तो कंपनियों में जिम्मेदारी महदूद होती है, वहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर एक नया रास्ता निकाला गया, क्या है वो रास्ता? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि इसमें पार्टनरशिप की जिम्मेदारी महदूद रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जाती जायदादें नहीं ली जाती, पार्टनर्स की जिम्मेदारी उनके हिस्से तक ही महदूद रहती है, लिमिटेड रहती है, जितना के उन्होंने सरमाया लगाया है। तो समझ में आया शराकतदारी के अकसाम? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।